सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। बेसिकली इस स्मार्टफोन का रेंडर भी यहाँ पर निकल के सामने आया था, जो कि सेम लग रहा था देखने में हमें S23 सीरीज की तरह। नो डाउट सैमसंग का जो S23 FE आएगा, ये एक S23 सीरीज का लाइटर वेरियंट होगा। जो लोग सैमसंग के इस सीरीज को पसंद करते हैं लेकिन बजट की वजह से उन स्मार्टफोन को परचेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सैमसंग अपना FE वेरियंट्स को यहाँ पर लाता है। और सैमसंग गैलेक्सी S23 FE इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यहाँ पर सैमसंग इस्तेमाल करेगा उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल के सामने आया है। तो पहले बताया जा रहा था कि जो सैमसंग का S23 FE आएगा, ये बेसिकली A74 का रिप्लेसमेंट होगा। यानी कि जो स्पेस आप लोग को सैमसंग के A74 में मिल रहा था, यानी कि एक्जिनोस का 2300 108 मेगापिक्सल का कैमरा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को S23 FE में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। सैमसंग के S23 FE में सैमसंग इस्तेमाल करेगा क्वालकॉम का Snapdragon 8+ Gen 1 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो वो प्रोसेसर यहाँ पर सैमसंग अपने S23 FE में इस्तेमाल करने वाला है। 6.5 इंचेस का आप लोगों को 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का आप लोगों को प्रोटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नो डाउट ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छा है और एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। नो डाउट सैमसंग के एसरेज का स्मार्टफोन आप लोगों को टॉप लेवल का यहाँ पर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन जो डिटेल्स आया है वहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा और सेल्फी के लिए आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सैमसंग प्रोवाइड करने वाला है। 5000 mAh का बैटरी होगा, लेकिन 25 वाट का चार्जर आप लोगों को सेपरेटली अलग से परचेस यहाँ पर करना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को एंड्रॉयड का 13 मिलेगा और सैमसंग का One UI 5.1 आप लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो सैमसंग का एसरेज का स्मार्टफोन यानी कि आपका स्मार्टफोन में 4 साल तक मेजर अपडेट्स देखने को मिलेगा और 5 साल तक आप लोगों को OTA अपडेट्स यहाँ पर सैमसंग प्रोवाइड करेगा। रही बात लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन सेकेंड हाफ 2023 में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि लगभग अगस्त सितंबर के आसपास सैमसंग अपना S23 FE को यहाँ पर अनाउंस कर सकता है। तो अभी टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए ठीक है जो A सीरीज के प्रीमियम स्मार्टफोन को यूज़ किए हैं, अभी A सीरीज में शिफ्ट होना चाहते हैं और जो लगभग दिवाली दुर्गा पूजा के आसपास कोई स्मार्टफोन लेने का प्लान बना रहे होंगे, तो उनके लिए सैमसंग की तरफ से एक अच्छा डील मैं बोल सकता हूँ। तो आप लोग क्या वेट कीजिएगा S23 FE के लिए और इस फ़ोन का प्रोसेसर आप लोगों को कैसा लगा, सभी बातें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।